नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। बीते कुछ साल पहले महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को अंजाम देने वाली भीड़ को लगा था कि वो साधु बच्चा चोर हैं। महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तीन साधुओं की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बच्चा चोरी की अफवाह पर भीड़ ने इन साधुओं की बुरी तरह पिटाई कर दी। दुर्ग के भिलाई तीन थाना क्षेत्र के चरोदा बस्ती में बच्चा चोर के शक में तीन साधुओं को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पीट दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब पुलिस की टीम इस जगह पर साधुओं को बचाने के लिए पहुंची, तो भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिस वाले की टी शर्ट खींचकर उसे हटाने की कोशिश की। वहीं इस मामले पर दुर्ग के SP अभिषेक पलवे का कहना है कि ये साधु संदिग्ध ढंग से बच्चों से बात कर रहे थे, जिससे अफवाह फैली कि ये बच्चा चोरी करने आए हैं। इनके यानी साधुओं के अनुसार ये राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन इनके पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है। हम लोगों से अपील करेंगे कि कानून अपने हाथ में ना ले। बताया जा रहा है कि भिलाई तीन थाना क्षेत्र के चरोदा गांव में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ी। इस दौरान ग्रामीणों ने तीन साधुओं को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने साधुओं को इतना पीटा कि वे लहूलुहान हो गए। साधु हाथ जोड़कर लोगों से न मानने की अपील करते रहे, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक ना सुनी और वो उन्हें पीटते रहे। गौरतलब है कि किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी थी। उसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर साधुओं को थाने ले गई। आपको बता दें कि किसी ने साधुओं की मारपीट का वीडियो बना लिया और जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया है और पुलिस हरकत में आ गई है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि साधुओं के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। बताया जाता है कि दुर्ग जिले में पिछले कुछ महीनों में बच्चा चोरी की अफवाह में पिटाई की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ।